बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिकल सेकंड ईयर को आज के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में मैं वेलकम करूंगी। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसे कोई भी हम डिफाइन करते हैं कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हुज प्रेजेंस शोज द प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। कोई एक एटम या एटमों का ऐसा मजमूआ जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को खास खसूसियात मिले, ये मजमूआ क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल OH, ये हमारे पास दो एटमों का मजमूआ है, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल X, हेलो ग्रुप, ये जो हेलो ग्रुप है ये सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल है, लेकिन हेलो ग्रुप की मौजूदगी की वजह से इस क्लास के जितने भी कंपाउंड होते हैं उन्हें एक खास नाम दिया जा सकता है। COOH, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। NH2, दिस इज नोन एज अमाइनो ग्रुप। C डबल बॉन्ड O है जिसे हम एब्रिविएट कर सकते हैं CHO से, इसे हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप एक बात याद रखिएगा कि OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और CHO जब ये HO होता है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसे हम OH करके नहीं लिख सकते। हम फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंस को देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप कितना अहम है। सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड्स अ बेस फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट इज नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टमैटिक मेथड है जिसके थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है। आपको पिछले लेक्चर से याद होगा, हमने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था कि हमारे पास जो 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब तक बन चुके हैं उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग स्टडी करना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया और इस नेमिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो नोमेनक्लेचर की बुनियाद ही ये फंक्शनल ग्रुप होता है। सेकेंड इसकी इंपॉर्टेंस है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अल्कोहल ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, उन्हें हम अल्कोहल कहेंगे। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हेलो ग्रुप होगा उन्हें हम अल्काइल हैलाइड्स कहेंगे। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाएंगे। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अमाइनो ग्रुप पाया जाएगा वो अमीन्स कहलाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा वो एल्डिहाइड्स कहलाएंगे। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं इसकी बुनियाद वो फंक्शनल ग्रुप होता है। थर्ड हमारे पास फंक्शनल ग्रुप इज अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन अ मॉलिक्यूल। कोई भी कंपाउंड जब कोई केमिकल रिएक्शन शो करता है तो वो केमिकल रिएक्शन किसी न किसी एक ऐसी जगह पे होता है, जिस तरह आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम जो होते हैं वो जिस जगह पे रिएक्शन शो करते हैं वो एक्टिव साइट होती है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है इट जस्ट एक्ट्स लाइक एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, क्योंकि वही जगह है जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन शो करेगा। और लास्ट इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले कंपाउंड्स को हम अल्कोहल्स कहते हैं। तो जितने भी अल्कोहल्स हैं क्योंकि उनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है दैट इज OH, और इसी OH की वजह से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो इसलिए तमाम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। तो ये नहीं होता कि अगर मिथाइल अल्कोहल है और इथाइल अल्कोहल है तो मिथाइल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज और होंगी, इथाइल अल्कोहल की और होगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि तमाम अल्कोहल की प्रॉपर्टीज सेम होगी। इसी तरीके से तमाम अल्काइल हैलाइड जिनमें हैलो ग्रुप पाया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज, अमीन की प्रॉपर्टीज से। हमारे पास नेक्स्ट जो है ना, ये लास्ट हमारे पास एक टेबल है जिसमें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है और फिर वो किस क्लास को डिफाइन करता है, ये हम बताएंगे। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास सी बॉन्ड सी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी एक सिंगल लाइन शो की जाती है तो ये लाइन कोवेलेंट बॉन्ड को शो करती है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जिस फैमिली में पाया जाता है वो क्या कहलाता है? अल्केन्स कहलाता है, और इनका जनरल फॉर्मूला R R R फॉर अल्काइल ग्रुप होता है। सेकंड
डबल बॉन्ड सी एच टू। फिर हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसका नाम हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड। ये जिस क्लास ऑफ कंपाउंड्स में पाया जाता है उसे अल्काइन्स कहते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट एग्जाम्पल्स टेबल के लिए आप अपनी बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा और फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंस देखी। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बैकबोन की हैसियत रखता है। जब तक आपको फंक्शनल ग्रुप की नॉलेज नहीं होगी और कौन सी क्लास का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये नहीं पता होगा तो आपको आइडिया नहीं हो सकता कि इन कंपाउंड्स की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी और इन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ इनकी किस तरह के रिएक्शन देंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।